बिहार सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान पर देश भर में नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा से जुड़ी महिलाओं ने नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है। महिलाओं ने सीधे तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को लेकर जिस तरीके से अमर्यादित और अपमान करने वाले बयान दिए हैं वो बेहद निंदनीय है। अगर उनका इस्तीफा नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा उनके खिलाफ लामबंद होकर आंदोलन को लेकर रणनीति बनाएगी। जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कल जो है वो विधानसभा में और विधानसभा सदन में दोनों में महिलाओं के लिए बहुत ही अश्लील टिप्पणी की है, और हम सब लोगों की ये मांग है कि नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना चाहिए। हम सब लोग उनके इस्तीफे की मांग करते हैं, इससे न कम हमें कुछ चाहिए, हमें सिर्फ उनका इस्तीफा चाहिए। आज क्या किया है आप लोगों? आज हम लोग ने विरोध के स्वरूप में उनका पुतला दहन किया है और एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट केवल एक भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के पदाधिकारी नहीं कर रहे, लेकिन ये प्रोटेस्ट जन जन की महिलाएँ करेंगी, पूरे देश की महिलाएं कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो सभी महिलाओं के लिए लेकर के स्पेशली जो है वो टिप्पणी की है। तो इसमें सारी महिलाएं, पूरे देश भर की महिलाओं का उनके प्रति आक्रोश है, और ये आक्रोश हम लोगों ने यहाँ पे उनके पुतले को दहन करके जला के दिखाया है। अगर इस्तीफा नहीं होता है तो क्या रणनीति रहेगी आपको? हमें इस्तीफा ही चाहिए। अगर इस्तीफा वो देने में देर करते हैं तो हम लोग इस आंदोलन को और आगे और तेजी से और बढ़ाएंगे। मैं डॉक्टर कृतिका अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा भाजपा से हूँ।